हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट में आपका एक में का नहीं है। केवल हजार रुपये लगा के या पांच सौ रुपए लगा के छोड़ दीजिए देखी जाएगी अगर पैसा अच्छा खासा बढ़ना होगा तो बढ़ जाएगा नहीं बढ़ना होगा तो वही रहेगा तो ये एक प्ले होता है और बाकी आप अपने हिसाब से देखिए आपके आप में मुझसे ज्यादा समझ है तो आपको क्या आपके लिए अच्छा है वो आप बेटर डिसाइड कर सकते हैं तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं जानते हैं स्टॉक से रिलेटेड जिसकी अगर हम बात करें एक दिन में वन पॉइंट महीने से बात करें तो गिरता हुआ नजर आ रहा है छह महीने की अगर बात करें एटी थ्री एक साल में सत्रह परसेंट की रिटर्न दी और दो साल में एक सौ तेतीस मतलब जितना लंबा इस शेयर को रखा है उतना ज्यादा अच्छा पैसा दिया है शेयर ने बीच में इसने अच्छा खासा पैसा दिया है लॉन्ग uh, टर्म में अगर बात करें तो कंपनी की ज्यादा हिस्ट्री भी नहीं है अगर देखेंगे दस साल की हिस्ट्री तो कोई हिस्ट्री यहाँ पर नजर नहीं आती तो कंपनी कौन सी है अगर कंपनी के बारे में और भी कुछ चीजें बताऊं तो देखिए 2010 जून अगर देखिए एक्स बोनस 9 अगस्त 2021 को वन रेशो वन का क्या दिया इसने बोनस दिया 2021 में ही 16 दिसंबर को अभी ये स्टॉक्स हुआ है स्प्लिट 10 का फेस वैल्यू दो में मतलब आपके पास आ, एक शेयर था तो आपको पांच शेयर यहाँ पर मिलते हुए नजर आए तो शेयर देखिए दो बार 2021 में इक्कीस बोनस भी दे दिया स्प्लिट भी दे दिया वन रेशो वन का बोनस वन रेशो फाइव में यहाँ पर इसका स्प्लिट होता हुआ दिखाई दिया तो कौन सा स्टॉक्स है क्या हमें खरीदना चाहिए या नहीं और दस रुपए का ऐसा पैनी स्टॉक्स मिलेगा या नहीं आपको डिसाइड करना है बट ऐसे स्टॉक के बारे में सारी की सारी डिटेल मैं आपको दे देता हूँ तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं जानते हैं स्टॉक से रिलेटिव बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा बड़ी मेहनत से आपके लिए स्टॉक्स चुने जाते हैं मेहनत की जाती है तो इसलिए लाइक का बटन जरूर दबाया करें और लास्ट तक वीडियो को देखा करें और यहाँ पर दूसरी वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं अपने खुद की स्टडी करें और यहाँ पर पर्टिकुलर नंबर दे रखा है हमारी फाइनेंशियल सर्विस चाहिए तो इस पर्टिकुलर नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो जिस स्टॉक से रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं उसका नाम देख लेते हैं तो इसका नाम देखिए इसका नाम है ईरम लिमिटेड ऑलरेडी मैं इसमें बाइंग बायर हूँ तो इस चीज को भी याद थोड़ा सा मैं ध्यान में रखिएगा तो कंपनी करती क्या फार्मास्यूटिकल्स अभी देखिए फार्मा से रिलेटेड स्टॉक्स दोबारा शायद भागते हुए दिखाई दे सकते ओके okay. इसके पीछे का दो-तीन रीज़न जो मैं आपको आ, यहां पर प्रोडक्ट सचेज एंटीबायोटिक्रग्स एंटी मलेरिया ड्रग्स एंटी एलर्जी एंटी कोल्ड ड्रग्स जैसे anti -py uh, pyretic and, and uh, anti of uh इन्फ्लेमेंट्री ड्रग्स मतलब अलग अलग तरीके के यहाँ पर जाइएगा नॉलेज लीजिएगा तो आपको देखिए इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स में ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है रजिस्ट्रेशन ले रखा है और यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट मैन्युफेक्चरिंग कैसे कहाँ पर किस तरीके से है क्लाइंट के रिव्यू यहाँ पर देखिए इज क्वालिटी हेल्थ केयर यहाँ पर इनके जो फार्म कृष्णा फार्मा लक्ष्मी लक्ष्मी मेडिकल फार्मा ये दे और यहां पर देखिए सारे के सारे जितने प्रोडक्ट्स हैं ओके ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स कौन बनाती है ये पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं तो इसको यहाँ पर ध्यान रखिए तो अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल की <coughs> सॉरी तो देखिए मार्केट कैप तिरसठ पॉइंट चार करोड़ रुपए का तिरसठ करोड़ रुपए की कंपनी है पैनी स्टॉक्स है ओके यहाँ पर याद रखिएगा ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पांच सौ हजार लगा के छोड़ दीजिए पैसा बन जाएगा ठीक नहीं बनेगा डूब जाएगा तो भी कोई परेशानी नहीं है एज एज वेल पर अपने रिस्क को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा 705 के पी पे चल रहा है देखिए अभी मैंने एक एक वीडियो बनाई थी यहाँ पर इसमें मैंने दो स्टॉक्स बताए थे एक 200 के पी पे चल रहा था एक 1900 के पी पे चल रहा था मैंने साफ मना कर दिया कि इस स्टॉक्स को नहीं खरीदना बट इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ तो इसके पीछे का रीजन क्या है इसके पीछे का रीजन है इसके फाइनेंशियल इसके रिजल्ट

क्वार्टरली बेसिस पे तो अच्छी खासी बढ़ी है बट ईयरली बेसिस पे गिरावट है इसमें और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देख सकते हैं जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट घाटे में चल रही थी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इस कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया वो भी कितना पांच करोड़ चालीस लाख रुपए के आसपास का यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया जिसमें थोड़ी सी अदर इनकम है बाकी इसने थोड़े से अपने एक्सपेंडिचर पे एक्सपेंसिस पे कंट्रोल किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं का यहाँ पर जो इनके मटेरियल कॉस्ट ज्यादा लगते थे वो यहाँ पर बिल्कुल कम होता हुआ दिखाई दिया इसलिए कंपनी यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर प्रॉफिट में आई तो और ईयरली बेसिस पर भी देखेंगे तो दो पर 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 फिर पंद्रह फिर पैंतीस पचास पचपन ओके इकतालीस यहाँ दो हजार इक्कीस में थोड़ा कम हुआ है अरवाइज कंपनी पिछले पांच छह साल से लगातार कंसिस्टेंट बेसिस पे सेल्स बढ़ रही थी नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा तो कंपनी यहाँ पर कंसिस्टेंट परफॉर्म भी कर रही है तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं रिजर्व्स तो ऐसी ही कंपनी अगर और भी अच्छा परफॉर्म करती रही तो यही शायद इकतालीस करोड़ यहाँ पर आज की डेट में सेल्स हुई है आने वाले दस साल में चार सौ करोड़ की सेल्स हो जाए टेन टाइम्स हो जाए तो ये सब चीज हो सकती है रिजर्व की बात करें कंपनी के रिजर्व चार थोड़े से घटते हुए दिखाई दिए चार करोड़ रुपए छह महीने के अंदर अंदर तो ओके कुछ रीजन हो सकता है बोरिंग की बात करें कंपनी की बोरिंग बढ़ी है ओके तो जो कि नेगेटिव यहाँ पर दो चीज नेगेटिव इम्पैक्ट भी दिखा दी है इसके अलावा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है कैश की बात करें कंपनी के पास बासठ करोड़ बासठ लाख रुपए के आसपास का यहाँ पर कैश भी है छोटी कंपनी है बासठ करोड़ रुपए के ही मार्केट कैप है और यहाँ पर देखे तो जो भी पैसा यहाँ पर देखिए कैश फ्लो भी यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसके अलावा आर ओ पर घटती हुई

तो यहाँ पर आप गिनते जाइए तो यहाँ पर आपको पता चलेगी सात आठ दस परसेंट ग्यारह परसेंट ओके मोर देन अगर तेरह चौदह परसेंट पंद्रह परसेंट के आसपास के शेयर बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर ले रखे हैं बाकी यहाँ पर देखें तो पंद्रह परसेंट सोलह परसेंट के शेयर ही यहाँ पर पब्लिक के लिए रखे हुए हैं तो बहुत सारे यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट्स है यहाँ पर दो एक बार छह महीने के अंदर अंदर यहाँ पर बोनस भी दे चुकी है स्प्लिट भी दे चुकी है कंपनी ओके okay, यहाँ पर अच्छा खासा दो साल में रिटर्न भी कंपनी ने यहाँ पर पेश करे है तो अगर हम यहाँ पर बात करें ईरम की ओके okay, तो ये नाम यहाँ पर ये फार्मास्यूटिकल बी पे ही ये कंपनी लिस्ट होती हुई दिखाई दे रही है और कहीं यहाँ पर ये शेयर नहीं दिखेगा और ये अपर सर्किट लोअर सर्किट में चलने वाला शेयर है और एक कंसोलिडेशन फेज में आता हुआ दिखाई दे रहा है तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में देना है कि ऐसा ही नहीं है कि शेयर यहाँ पर लोअर सर्किट ही लगा रहा है अपर सर्किट लगा रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शेयर लगभग लगभग लग कितना 60 परसेंट साठ परसेंट अपने ऊपर से गिर चुका है तो इस चीज को भी हम थोड़ा सा ध्यान में रख के थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने की हम यहाँ पर सोच सकते हैं वॉल्यूम भी अच्छे खासे आ रहे हैं शेयर देखिए यहाँ पर अगर हम मैं दिखाऊं तो यहाँ पर स्प्लिट होता हुआ दिखाई दिया उसके बाद लोअर सर्किट लगा और यहाँ पर देखिए तीन चार पांच छह दिन से ट्रेडिंग सेशन से ये क्या कर रहा है कंसोलिडेशन कर रहा है इसी पर्टिकुलर लेवल पर तो यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रोथ ओके शेयर अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रोथ इन द सेंस यहाँ पर अच्छे खासे अच्छे खासे रिजल्ट अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं 155% के आखिर ये सीधा इस लेवल तक भी गया तो 155% परसेंट का यहाँ पर क्या मिल रहा है टारगेट यहाँ पर मिलता है वो रिटर्न मिलते हुए नजर आ रहे हैं बट 155 तो नहीं कहूंगा मैं इतने लंबे चौड़े रिजल्ट के लिए नहीं जाता बट हाँ अगर ये इस लेवल पर भी आ जाता है तो 50 से 60 परसेंट के यहाँ पर रिटर्न बनते हुए नजर आते हैं तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर, कर किया हुआ है इसी बेसिस पे क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन होने लग गया है एज वेल एज शेयर यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिर चुका है और कुछ इसके पॉजिटिव साइन यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर पैसा ले रखा है लगा रखा है एज वेल एज यहाँ पर देखे तो कंपनी के रिजल्ट यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेस पे अच्छे खास आ रहे हैं तो ये सब पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है इसी बेस पे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं तो बाइंग सेलिंग की कोई फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना कमेंट करना शेयर करना जितना हो सके सपोर्ट करने की कोशिश करना चीजें नीचे भी जा सकती है चीजें ऊपर भी जा सकती है तो आप ही रेस्पॉन्सिबल है इस चीज को याद रखिएगा और हमसे कॉन्टेक्ट करना पर्टिकुलर नंबर पर कॉन्टेट कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस